बीएससी मैथ मैकेनिक्स स्टैटिक्स में टॉपिक जो है कॉमन कैटेनरी वीडियो नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, लेट इफ टी वी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कैटेनरी एंड टी नोट एट द लोएस्ट पॉइंट। ये टी नोट इज द टेंशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट। प्रूव दैट टी स्क्वायर माने टी नोट स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। ये फिगर होना है कैटेनरी का फिगर। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये कैटेनरी है ए सी वी की फॉर्म में। ओ टू सी की जो डिस्टेंस है वो सी मानी जाती है। एंड सी पॉइंट यानी लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो टी नोट है। एंड पी जो पॉइंट है इस पे जो टेंशन है वो टी है। टेंशन एट पॉइंट पी इक्वल टू टी, ये शो हो रहा है इधर की ओर। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है सी टू ए की, ये एस शो की जाती है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। एंड इसका जो वेट है यानी कि ए सी का जो सेंट्रॉइड है उसके सेंटर पे काम करता है। अगर सी पी के लिए लेते हैं, सी पी के लिए लेते हैं पी पॉइंट से, सी से पी के लिए इतने से इतने में लिया जाता है, तो वहाँ पे जो वेट है इस कैटनरी का ये वाला पोर्शन है, इसकी अगर डिस्टेंस एक्स मानी जाए तो उसका वेट इसके सेंट्रॉइड पे काम करता है। वो डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ के लिए जाए। जनरल क्वेश्चन है इसमें तो ऐसा कुछ कहा गया नहीं है, तो जनरल क्वेश्चन के लिए जो वेट है पी पॉइंट से थोड़ा नीचे डब्ल्यू एस रखा गया है। एस जो डिस्टेंस होगा ए टू सी के बीच का होगा। पी द पॉइंट से एट पॉइंट पी द टेंशन टी। ए सी वी द फॉर्म ऑफ कैटनरी, ए सी वी जनरल फॉर्म ऑफ कैटनरी से। बाकी इसमें और इस फिगर में कुछ ऐसा था ही नहीं है। वी नो दैट इसके जनरल फॉर्मूला से वी नो दैट टी कोस साई इक्वल टू होता है टी नोट। यहाँ पे अगर इधर की ओर शो करते हैं तो एंगल साई होता है, जितना एंगल ये होगा इतना ये होता है। ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हुआ करते हैं। तो पी पे हॉरिजॉन्टल एंगल साई होता है। एंड नीचे हमने पॉइंट ले गए यानी टेंशन टी का एक्स एक्सिस पे कटान पॉइंट बनना है उस क्यू, उस पे भी एंगल साई होगा। देन टी को साई इक्वल टू होगा टी नोट। यहाँ से जो टी नोट है इस टर्म में निकला करता है, ये होगा टी को साई। एंड हॉरिजॉन्टली बनता है यहाँ पे टी साइन साई, यानी कि ये टी नोट है वेरीफाई करता है टी कोस साई को। टी को साई इक्वल टू टी नोट इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ऐसे ही टी साइन साई इक्वल टू होता है डब्ल्यू एस एंड कैपिटल डब्ल्यू के इक्वल। डब्ल्यू एस या कैपिटल डब्ल्यू यानी कि टी साइन साई ये वाला जो फोर्स है, एंड जो रिजोल्विंग पार्ट्स है टी साइन साई इक्वल होगा डब्ल्यू एस के, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू भी मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे कैपिटल डब्ल्यू का टर्म दिया हुआ है। बेहद डब्ल्यू एस इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, ये जो क्वेश्चन है टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी नोट का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू का स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू। टी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इक्वल टू टी नोट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई इक्वल टू 1 इक्वल टू होगा टी नोट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस टी नोट स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर, यही हमको आंसर लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट्स ऑफ कैटेनरी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो विद मीट एंड एक्स एक्सेस। एक कैटेनरी है ए डी बी की फॉर्म में कैटेनरी, और ये है एक्स एक्सेस, और ये हमारा वाई एक्सेस कैटेनरी है ए डी बी। इसमें कोई पॉइंट पी है जिस पर टेंशन टी, एंड डी डी पे यहाँ पे टेंशन टी नोट होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। ओ टू डी का जो डिस्टेंस है वो सी है, और यहाँ पे एंगल साई बनेगा, तो ये भी एंगल साई है। ये पी क्यू, यहाँ से हमने एम एल ये एक परपेंडिकुलर लेंथ इस पे ले लिया है, ये इस पॉइंट को एल है एल, ठीक है, ये 90 बना रहा है। ये एंगल एक्स है। इन द फिगर एम एल
ML be the perpendicular drop from the foot of the ordinate M on the tangent PL, यानि tangent PL पर M से एक perpendicular draw किया गया है, यहाँ से M से perpendicular draw किया गया है, ML equal to होता है, ML equal to y cos psi, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर y cos psi हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगा इसका टेंजेंट का, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ टेंजेंट ML इक्वल टू y cos psi, y इक्वल टू होता है चूंकि y इक्वल टू होता है c sec psi, इसकी वैल्यू यहां पे ड्रा कर देंगे, c sec psi * cos psi ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा c, ML इक्वल टू c, ऐसे PL इक्वल टू होगा अंडर रूट PL इसी वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, ML हम निकाल चुके हैं, ये C आ गया है एंड PL इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसको S कहेंगे यानी लेंथ, ये जो लेंथ है यहां से है इसको y ट्रीट करेंगे, y x की लेंथ को हमने y ट्रीट किया है, इस वाले ट्रायंगल में हमने फार्मूला लगा लिया, PL की वैल्यू हमने निकाल दिया, वो आ गया अंडर रूट y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर जिसको s कहा है, PL आ चुका है, PL इक्वल टू अंडर रूट y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू s, द लेंथ ऑफ आर्क dp ऑफ कर्व, यानी कि जो ये जो लेंथ ऑफ आर्क dp और कर्व की इस लेंथ के इक्वल होगी, यानी s के इक्वल होगी, ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल होती है, एंड इफ द नॉर्मल ऑफ कर्व एट पॉइंट पी मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स इन एन, यदि ये वाली जो है एन पे मिलती है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स पे मिल रही है, देन तो ये एस जो है रूट वाइज का मैसेज स्क्वायर के इक्वल होती है, देन पी क्यू इक्वल टू होगा वाई सेक्स आई, ये होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल पी क्यू लेंथ ऑफ नॉर्मल प्रूव दैट द लेंथ ऑफ नॉर्मल एट एन बोरिंग कैटेनरी, हाँ लेंथ ऑफ नॉर्मल ही हमको शो करना है, तो पी क्यू इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल बाई सेक्स आई, वाई की वैल्यू होता है सी सेक्स आई, देन पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी सेक्स आई इंटू सेक्स आई, एंड पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई, क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे, हमको शो करना रेडियस ऑफ कर्वेचर के, चूँकि एस इक्वल टू होता है सी टेन साई, एंड डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू होगा सी डी अपॉन डी साई टेन साई, टेन साई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर साई, डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू होता है रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको इक्वेशन नंबर टू लेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से, इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से यानी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू रो, यही हमको प्रूव करना था, यानी कि द लेंथ ऑफ नॉर्मल एट एन पॉइंट ऑफ कैटनरी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर मीटिंग द मीट एट एक्स एक्सिस